हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है डीप वाटर जिसके राइटर हैं विलियम डगलस जहाँ तक विलियम डगलस की बात करें तो विलियम डगलस एक ग्रेजुएट रहे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के शुरुआत इन्होंने एक टीचर के तौर पर की यकीमा में उसके कुछ समय के बाद इन्होंने अपना करियर चेंज किया इनकी मुलाकात अमेरिका के बत्तीसवें राष्ट्रपति मिस्टर रूजवेल्ट से हुई दोनों की दोस्ती हुई और इन्होंने एज ए लॉयर अपना प्रोफेशन शुरू किया और बाद में शायद अमेरिका के इतिहास के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे अब बात करते हैं इस लेसन की इस लेसन जिसका नाम है डी वाटर पानी की गहराई या पानी या गहरा पानी कह सकते हैं इसमें राइटर अपने उस डर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने उस डर पर काबू किया जो डर उन्हें था पानी से या पानी की गहराई से क्लियर ये डर शुरू हुआ जब वो सिर्फ चार साल के थे और अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे बीच पर गए पानी की एक तेज़ लहर आई जो इनके ऊपर पानी आया और ये गिर गए ये बहुत डर गए हालांकि इनके पिताजी इस बात को सिर्फ खेल बता रहे थे लेकिन इनके मन में वो डर बैठ गया ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई जब ये सिर्फ 11 साल के थे इनके घर के ही पास एक स्विमिंग पूल था जिसे वाई कहा जाता था वहाँ इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की क्योंकि यकीमा की जो बड़ी रिवर थी उसके बारे में तरह तरह की कहानी थी कि वहाँ लोग डूब जाते हैं इनकी माताजी भी सुनाया करती थी कि वहाँ ख़तरनाक है बहुत से लोग डूब गए हैं कई साल पहले ऐसी घटना हुई उससे पहले कई बार घटना हुई इस साल ऐसी घटना हुई ये सुन के इनके मन में और डर था तो वाई एम सी ये कि स्विमिंग पूल में जब ये सीखने गए तो एक दिन एक बड़े से लड़के ने जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का था अठारह साल सत्रह साल का उसने इन्हें पानी में धक्का दे दिया इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई इनकी आँखों में पानी भर गया इनके फेफड़ों में पानी भर गया और ये एक तरह से बेहोश हो गए कुछ देर बाद इन्हें होश आया तो ये किनारे पर थे उस दिन से इनका डर और बढ़ गया लेकिन इनके मन में एक बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे इस डर से बाहर उबरना है और एक अच्छा स्विमर बनना है और पानी का ये खौफ अपने मन से निकालना है इन्होंने एक, एक एक्सपर्ट ट्रेनर रखा जो हफ्ते मैंने पाँच दिन ट्रेन करते थे और इन्हें पानी में अंदर जाते हुए रस्सी से बांध देते थे जिससे ये डूबे ना और इन्हें पानी में सांस कैसे ली ये भी ट्रेनिंग दी क्योंकि पानी में सांस लेना ही सबसे बड़ी आर्ट है क्योंकि इस दौरान पानी हमारे फेफड़ों में जा सकता है मुंह के जरिए नाक के जरिए फिर ये एक्सपर्ट बन गए धीरे धीरे इसके बाद जब इन्हें लगा कि अब मैं काफ़ी स्विमिंग सीख चुका हूँ तो अब मुझे उस डर को निकालना है कि मैं एक्सपर्ट के बगैर या किसी के बगैर अकेले किस तरह पानी में जाऊँगा फिर ये न्यू हम्पशायर गए और वहाँ एक वेंट फोर्थ नाम की लेक में इन्होंने जंप किया डाइव किया और दो मील लंबी इन्होंने स्विमिंग की तरह तरह से सीधे स्विम करना उछल उछल के स्विमिंग करना उल्टे स्विम करना जिन तरह की स्विमिंग होती है इन्होंने की और उस डर पर काबू पाया इन्होंने दो बातें बताई हैं एक टेरर ऑफ फियर और टेरर ऑफ डेथ एक तो खौफ होता है डर का और दूसरा खौफ होता है मौत का राइटर इस लेसन के जरिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें अच्छी लगे तो लाइक करें ये कहना चाहता है कि मौत से बड़ा है मौत का डर डेथ उतनी डेंजरस नहीं जितनी डेथ की फीलिंग वो आपने डायलॉग सुना है ना गब्बर सिंह का जो डर गया समझो मर गया जी हाँ तो अगर आप डर गए तो आप मर गए क्योंकि डर के आगे जीत है ये भी एक मशहूर डायलॉग है तो यही इस लेसन का कॉन्सेप्ट है यही इस लेसन का कंटेंट है और इसी यही इस लेसन का सेंट्रल थॉट है इसेंस है जो बार बार मैं बातें करता हूँ कि पूरी कहानी पढ़ने के पीछे जो थॉट है जो राइटर हमसे कहना चाहता है हमें वो पकड़ना चाहिए तो राइटर ने उस डर पर काबू पाया और इसके ज़रिए ही हमें भी शिक्षा मिलती है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई फ़ियर फैक्टर होता है कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं कुछ लोग गहराई से डरते हैं कुछ लोग पानी से डरते हैं कुछ लोग आग से डरते हैं और कुछ लोग मोहब्बत से भी डरते हैं और कुछ लोग नफरत से डरते हैं तो हमें इन डर पर काबू पाना है और अपने आप को इन सब से उबार कर आगे बढ़ना है और परफेक्शन की ओर जाना है ओके okay, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव सी यू